नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कू एप्लीकेशन से पैसा जो अर्निंग करते हैं उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी कू एप्लीकेशन से आप पैसा अर्निंग करेंगे उसे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कू एप्लीकेशन कैसे पैसा अर्निंग करते हैं इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि इससे कैसे पैसा अर्निंग करें और इस पैसे को कैसे निकालेंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले कि उस पैसे को कैसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों को एप्लीकेशन ऊपर करें, कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भुगतान पाए का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। विड्रॉल का ही ऑप्शन वहां लिखा होगा, भुगतान पाए मतलब विड्रॉल करें, तो उस पर जब क्लिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। आप यहाँ देखें कू रिवार्ड सेंटर लिखा है और यहाँ पे योर कॉइंस लिखा है। योर कैश मतलब कि आपका कॉइंस, देखिए 4200 कॉइंस है तो 4200 रुपया यहाँ पे बना हुआ है मेरा। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और यहाँ पे लिखा है कि 2 रुपये न्यूनतम बैलेंस जो निकालने के लिए आवश्यक है। अगर 2 रुपये मिनिमम बैलेंस आपका होना चाहिए तभी विड्रॉल होगा, वरना 2 रुपये से कम होगा तो विड्रॉल नहीं होगा। 2 रुपये से अधिक होगा तो विड्रॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो विड्रॉल पे आपको क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटर योर यूपीआई आईडी। एक बार ये ध्यान में रखिएगा कि आपका यूपीआई आईडी होना चाहिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी का भी यूपीआई आईडी आपको यहाँ से लेके यहाँ पे डालना होगा। यूपीआई आईडी कैसे पता करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको गूगल पे अपना फोन पे ओपन करना होगा। वहां पे जो आपका लोगो दिखता है, आपका जो फोटो लगाया है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यूपीआई आईडी लिखा हुआ आ जाएगा। यही काम आप पेटीएम पे भी कर सकते हैं। पेटीएम पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में वहां आपका लोगो दिखता है, जो आपका फोटो दिख रहा है, जिस जो फोटो लगाए होंगे उसी फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यूपीआई आईडी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से यूपीआई आईडी ले लेना और यहाँ पे आपको लिख देना है। यूपीआई आईडी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरीफाई का ऑप्शन, इस वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई आईडी आपका वेरीफाई हो गया और नाम आ जाएगा, रजिस्टर नाम, जो जी सर गूगल पे आपका जो नाम होगा, फोन पे पे, गूगल पे, पेटीएम पे, जो भी यूपीआई आईडी यहाँ डालेंगे उसका नाम यहाँ पे शो होने लगेगा, जो नाम रहेगा वहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मिलान कर लीजिए कि आपका ही नाम शो हो रहा है कि नहीं, तो मेरा ही नाम यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आता है, प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे है दोस्तों, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अगर आपके अकाउंट में नहीं गया तो लिखा है कि अमाउंट विल बी रिफ्लेक्ट योर बैंक अकाउंट विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अगर नहीं गया हो तो। यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट सक्सेसफुल है, यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया कि मेरा जो 41 रुपया है वो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट चला गया। अभी हम आपको दिखाते हैं कहाँ गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरा पेटीएम यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री पर हम क्लिक कर रहे हैं। जब बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम RZPX की तरफ से 41 रुपया मेरे अकाउंट में रिसीव हो गया। यहाँ पे आप रिसीव दिखा रहा है, हिस्ट्री भी दिखा दिए। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक कर दिया, चैनल अपना वीडियो पहली बार देखा सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।